दोस्तों, जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद में जुमे के दिन से अजान दी जाएगी। जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद कोलोन में है। पहली बार इस मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाएगी। प्रशासन की जानिब से मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए अजान की इजाजत दी गई है। जर्मनी में हजारों मस्जिदें हैं, लेकिन आमतौर पर इन मस्जिदों में अजान नहीं होती है। जर्मनी के कोलोन शहर के एहरेनफेल्ड में बनी इस मस्जिद में प्रशासन की जानिब से जुमे के दिन 12 बजे से 3 बजे के बीच एक बार 5 मिनट के लिए अजान की इजाजत दी गई है। लाउडस्पीकर की आवाज की सीमा 60 डेसिबल तय की गई है। जर्मनी की इस मस्जिद में एक साथ 1200 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। कोलोन शहर की मस्जिद तुर्की की एक तंजीम टीटिप चलाती है। दोस्तों, जर्मनी में 900 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इस मस्जिद की खास बात यह है कि कांच और कंक्रीट से बनाई गई मस्जिद जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसकी डिजाइन किसी फूल की कली के समान है, जिसका नक्शा जर्मनी के मशहूर आर्किटेक्ट पाम बोयम और गॉटफ्रीड बोयम ने तैयार किया है। दो मीनारों वाली मस्जिद में एक साथ 1200 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। जर्मनी में 50 लाख से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो यहाँ की आबादी के करीब 6% है। इनमें से करीब 3 लाख लोग तुर्की मूल के हैं। जर्मनी के ज्यादातर शहरों में तुर्क लोगों की मौजूदगी का असर देखा जा सकता है। मस्जिद की तामीर में कांच का इस्तेमाल खुलेपन का संदेश देने के लिए किया गया है, ताकि सभी धर्मों के लोग यहां आ सके। कांच और कंक्रीट से तैयार मस्जिद का गुंबद किसी फूल की कली जैसा लगता है। मस्जिद की अहाते में 55 मीटर ऊंची दो मीनारें भी हैं। मस्जिद के दरवाजे नमाजियों के लिए पहली बार 2017 में रमजान के महीने में खोले गए थे, लेकिन इसका इफ्तिताह तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगान ने सितंबर 2018 में किया था।